अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैट जीपीटी है क्या? काफ़ी लोग इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं और चैट जीपीटी एक नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी लोगों के जॉब्स खतरे में पड़ने वाले हैं। और कौन लोग इससे पैसे कमा सकते हैं, लॉगिन कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, दिन के $30 कैसे कमाने हैं, सब कुछ डिटेल आज की वीडियो में। सबसे पहली बात, चैट जीपीटी गूगल की तरह सर्च इंजिन है, एक नई टेक्नोलॉजी है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो आपको गूगल पर मिलेगा। गूगल भी एक सर्च इंजन है लेकिन चैट जीपीटी एक नई टेक्नोलॉजी है गूगल से हटकर। गूगल पर आप जो चीज़ सर्च करते हो आपको उसी वक्त मुख्तलिफ वेबसाइट्स की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं है। इसका जवाब अथेंटिक 100% फैक्ट एंड रिजल्ट इसका 100% है। और ये ऐसा काम करता है जिस तरह आप एक बंदे से सवाल पूछते हो कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, आप उस बंदे से पूछते हो आपको वो बंदा बता देगा, लेकिन गूगल में वेबसाइट्स की फॉर्म में बता देगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप जो सवाल पूछोगे आपको उसी वक्त आपने फ़र्ज़ करें कादाज़म के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है तो वो आपको उसी वक्त पांच जितने वर्ड्स की आपको चाहिए उसी वक्त आपको मिल जाएगा। अब चैट जीपीटी की को लॉगिन कैसे करनी है वो आपको इन बता दूँगा कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब इससे कौन लोग पैसे कमा सकते हैं और फ़ायदा मीन्स किन के लिए फ़ायदेमंद है और किन के जॉब्स ख़तरे में है, ये दरअसल एक वेबसाइट है और एक सर्च इंजिन है। स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो भी टॉपिक्स उनको चाहिए एट अ मोमेंट एट अ सेकंड उनको मिल जाएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद हेल्पफुल, जिससे पैसे कमाया जा सकता है वो फ्रीलांसर्स के लिए। और फ्रीलांसर्स के जॉब्स भी ख़तरे में पड़ने वाले हैं क्योंकि ये वेबसाइट ये जो इंजिन आपको एक देखो फ्रीलांसर क्या काम क्या होते हैं, वो असाइनमेंट्स होते हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। अब एक ब्लॉग्स वो लिखते हैं, आने वाले ज़माने में इनकी जॉब्स खतरे में पड़ने वाले। अब फ्रीलांसर को एट अ टाइम क्या फ़ायदा होने वाला है, एक फ्रीलांसर को एक टॉपिक या मीन्स कादाज़म के बारे में या एजुकेशन के बारे में एक टॉपिक लिखनी है, वो टॉपिक वो टाइप करके मीन्स एक दो घंटा वेस्ट करेगा, लेकिन जो चैट जीपीटी है आप जो सवाल वहाँ लिखोगे उसी वक्त जितने वर्ड्स का आपको चाहिए उसी वक्त आपको मिल जाएगा। ये फ्रीलांसर इससे मतलब कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वह सर्च करें, कॉपी करें, वह अपनी जगह पर पेस्ट करें जिनको चाहिए होता है ये। अब जो फाइबर पर जो काम करते हैं और ब्लॉगिंग जो ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी फ़ायदा है जो जिनकी वेबसाइट्स बने हैं। तो अगर आपका वेबसाइट्स नहीं बने हैं तो अपना वेबसाइट्स बना ले, वेबसाइट्स में इसका बड़ा रोल है क्योंकि वेबसाइट्स जो बनाते हैं वो ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको एडसेंस की फॉर्म में पैसा मिलता है। अगर आपका वेबसाइट्स नहीं है, आप चाहते हो कि मैं जो चैट जीपीटी से पैसे कमाओ, तो आप अपना वेबसाइट बना ले, वेबसाइट बनाने के बाद यहाँ आकर जो भी आपको चाहिए तो यहाँ से कॉपी करें फिर वहाँ पर पेस्ट करें, बहुत ही आसान तरीके है। अब किन के जॉब्स ख़तरे में, फ्रीलांसर्स के जॉब्स ख़तरे में है जो फाइबर पर काम करते हैं, ब्लॉगर्स, आर्टिकल्स, SEO, और ये चैट जीपीटी यूट्यूबर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो क्या करना है वो बता देगा कि आपका नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए, आपको जिस चीज़ से रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए होता है उसी वक्त आपको मिल जाएगा। अब आइए इसको लॉगिन कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करना होते हैं, आइए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर की। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना होता है, गूगल पर लेके चैट जीपीटी, और ये तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आइए मोबाइल की सबसे पहले गूगल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर चैट जीपीटी लिखेंगे तो पहला वेबसाइट में आप जब इंटर करोगे तो यहाँ पर लगे ट्राई चैट जीपीटी, फिर आपने साइन अप करनी है। साइन अप करने के बाद आपको आगे क्या करना होता है, जैसे ही चैट जीपीटी को ओपन करते हैं तो आप सबसे पहले अपने साइन अप करनी है। साइन अप करने के बाद आपसे अपने नाम और आपके टेल अस अबाउट योर मतलब जैसे बता दिया, फिर आपका नंबर मांगेगी, अपने नंबर फ़ोन नंबर दे दे, फ़ोन नंबर जैसे दे दिया आपको OTP आएगी, OTP पिन तो मतलब रजिस्टर करने के लिए वो उसी वक्त आ जाता है। आप देख ले, मैं जैसे नंबर एंटर कर दे तो मुझे मौसूल हो गया OTP आप सामने है, देखो OTP जैसे इंटर करोगे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जी चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए। देखो आ गया, मैं इसको कॉपी कर दिया तो वो नेक्स्ट गूगल पर जैसे आप आते हो लिखते हैं चैट जीपीटी तो आपके सामने पहला जो इंटरफेस आएगा आप वहीं पर पहले आपने आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद आप यहाँ पर जो भी लिखो, मैंने कादाज़म लिख लिया तो कादाज़म से रिलेटेड ऐसा आर्टिकल आप जितने वर्ड्स का मांगोगे उतना आपको मिल जाएगा। ये एक बेस्ट सोर्स है लर्निंग के, अर्निंग के। और देखिए मैं अभी सर्च करता हूँ, मतलब कोई और चीज़ सर्च करता हूँ, कैमरा क्या है सही, मैं अभी इंटर करता हूँ व्हाट इज़ कैमरा, तो जैसे मैंने कैमरा लगाया वो बस बताता जाता है कैमरा क्या है, इसकी सिस्टम सब कुछ बता देता है।
गूगल इस तरह है ना, अब देखो एक आर्टिकल लिख गया कैमरे के बारे में, गूगल जब आप गूगल में सर्च करते हो वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स आते हैं, वो फेक भी होते हैं, लेकिन ये जो है ऑथेंटिक है, रियल है, मतलब 100% आपको उस वक्त जवाब देता है, और वो भी जितना आपका मन कर, जिस जो भी आपको चाहिए होता है वो उस वक्त आपको, मैंने सर्च किया है कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, आप देखो आपके सामने सिर्फ आप लिखो गूगल में तो वेबसाइट्स आते हैं, इधर वेबसाइट्स नहीं है, इधर आर्टिकल्स आते हैं, और ये लर्निंग के बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, और अर्निंग का जो आउट सोर्स, अर्निंग कैसा मैं आपको बताता हूँ कि अर्निंग इससे कैसे की जा सकती है, आप अपनी वेबसाइट्स बना लें, यही से मतलब जो आपको चाहिए होता है यही से कॉपी करके वेबसाइट पर बना लें। देखो जैसे यूट्यूब पर आप आते हो तो आप लोग, मैं दोबारा ओपन करके सिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर सर्च करें, ठीक है।